हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो गाइस, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है 44,964 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 126 पॉइंट प्लस में है। आप इधर एक चीज नोटिस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने वापस एक बेरिश फ्लैग, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, बेरिश फ्लैग पैटर्न बना दिया है। अब मैं इधर ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेने के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं नीचे की तरफ वेट कर रहा हूँ। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है लेवल का, मेजर लेवल होगा हमारे पास 44,444 का लेवल, अदरवाइज ये 44,777 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो मैं 30% क्वांटिटी में उठा लूंगा और उसके बाद क्वांटिटी ऐड करूंगा मैं 444 के बाद। बियरिश फ्लैग एक नेगेटिव पैटर्न है। अब इसके बाद हमें क्या थोड़ा समझदार से ट्रेड करना है। मैंने आज ही बताया था आपको, क्वांटिटी कम रखनी है। जब भी मार्केट बड़ी मूवमेंट देता है उसके बाद कुछ दिन होल्ड करता है, तो आज मार्केट वैसे ही होल्ड करा, आज मार्केट रुक गया एक जगह पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मार्केट रुका। पहले अपने वो सब दिखाने से पहले मैं अपने आज के ट्रेड दिखाया था आपको। तो आज ये हमारा कोटक वाला अकाउंट है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये इसमें हमारा 1485 का लॉस चल रहा है। ये आपको पता है, मैं लास्ट थर्सडे से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ये वाले पोजीशन को। ये हमने बुक नहीं किया है तो उसको हम कंसीडर भी नहीं कर रहे। और ये वाला हमारा अकाउंट है जीरोदा वाला अकाउंट में आज हमारा 436 का प्रॉफिट है, जो बहुत छोटा सा प्रॉफिट है। दो तीन स्कैल्प हुए थे तो उन स्कैल्प्स के वजह से हुआ। फिर मैं ट्रेड करना रुक गया क्योंकि मैं घर से बाहर चला गया था, मार्केट मेरे को ज़्यादा मोमेंटम करता हुआ दिख नहीं रहा था। थर्ड आया था हमारे पास धन वाला अकाउंट में मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, आप देख सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आज हमारा 400 रुपये का, जो कि काफ़ी कम है। तो कोई बात नहीं, देखिए वेट करना है। अभी छोटे छोटे मोमेंटम पर डेज की मोमेंटम हम ले नहीं पाएंगे। अगर 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडल बनी थी, उस पर मैं ट्रेड लिया था पर बहुत जल्दी पॉइंट्स पे निकल गया। तो वैसे होल्ड करना ट्रेड को, सब धीरे आ जाएगा। पर सबसे बड़ा जरूरी है बैठना सीखिए। देखिए बैठना, मार्केट ने आज फिर 150-200 पॉइंट की रेंज में पूरा टाइम निकाल दिया, तो ऐसे ही अभी टाइम पास करवाएगा। इधर आप डेली की तरह जैसे बड़ी मोमेंटों के दिन ट्रेड करते हैं वैसे ही ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या सोचता हूँ कि मार्केट अंदर इस रेंज के ओपन हो, जो कि है 44,700 और 45,100। इन 400 पॉइंट की रेंज के अंदर ओपन हो। इन 400 पॉइंट के अंदर ओपन होने के बाद फिर बैंक निफ्टी किसी थोड़ा सा टाइम बिताए, यहाँ पे 10-15 मिनट, और नीचे के साइड ब्रेक डाउन कर दे। अगर 666 का लेवल ब्रेक डाउन कर देगा तो हमें एक अच्छी खासी गिरावट नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने दिनों में जितने भी बायर्स और सेलर्स यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने पोजीशंस क्रिएट करी हैं, किसी को उम्मीद है मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को उम्मीद है मार्केट नीचे जाएगा, तो दोनों तरफ की बहुत ज़्यादा पोजीशन क्रिएट होती हैं ऐसे मार्केट में। क्योंकि देखिए इतने दिन से मार्केट इसी रेंज में अटका हुआ है, और देखिए जिन लोगों ने इन 2 दिन में पोजीशन क्रिएट होंगी ना, तो उन सबका एसएल हो जाएगा यहाँ पे 700 के नीचे, मतलब इस लेवल के बाद यहाँ पे उन सब लोगों का यहाँ पे एसएल हो जाएगा। इन सब लोगों को डर रहेगा कि भाई मार्केट अब ब्रेकडाउन हो गया, हमको अपनी पोजीशन से निकलना है। तो तब हमें ये लोग जो सेलर बने हुए थे ये बायर बन जाएंगे उसके बाद, और जो यहाँ बायर्स थे वो भी पोजीशन ऐड करेंगे या फिर यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, और सेलर्स तो अपनी पोजीशन काटेंगे तो वो भी बायर्स बन जाएंगे। तो बाइंग बहुत हैवी आएगी, तो प्रीमियम जंप करेंगे एकदम से पुट के। मैं मेजर प्रेफर कर रहा हूँ, अगर बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए यही रहेगा, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते 666 का लेवल, बस यहाँ पे 5-10 मिनट भी बिता देगा तो काफ़ी रहेगा। अगर यहीं पे ओपन कर ऊपर की तरफ करता है तो मैं ओनली 10% क्वांटिटी के साथ ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा, पर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड जरूर करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी एक रेंज बनी हुई है। पर ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए लेवल 45,122 का लेवल, अदरवाइज मैं ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड करूंगा नहीं। बात करते हैं बैंक निफ्टी, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, देखिए गैप अप ओपन के बाद थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये सब लोगों का शायद एसएल हो रहा होगा, तो मार्केट वहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है। अगर उन्होंने इस रेंज का एसएल लगा रखा होगा और मेरे को ऊपर की तरफ मोमेंटम मिली नहीं, फिर मैं नीचे की ततरफ अगर मेरे को कोई भी पैटर्न मिलता है, फिर एक रेंज का ब्रेकडाउन मिलता है, तो मैं वहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। एक तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा लेवल, यहाँ पे कई बार कोशिश करिए पूरे दिन ऐसे धीरे धीरे कर, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया है, धीरे धीरे करके जब जाता है ना तो उसमें एक दम नहीं होता मार्केट के अंदर। और देखिए एक बार ऊपर बायर्स ने ले जाने की कोशिश की पर तुरंत सेलर्स ने नीचे ड्रैग कर दिया मार्केट को, तो बायर्स काफ़ी बार कोशिश जरूर कर रहे हैं ऊपर ले जाने की मार्केट को, पर ऊपर ले जा नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट का ब्रेकडाउन होता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है हमको। अभी दोनों में खींचातानी चल रही है बायर्स और सेलर्स के अंदर। सेम कंडीशन अगर मार्केट गैप डाउन मिल जाता तो गैप डाउन मिल गया तो एक मोमेंटम तो हमारे हाथ से निकल चुकी होगी। तो गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करूंगा, कोई रेंज बने या फिर थोड़ा सा ऊपर आकर फिर ब्रेकडाउन करेगा ना, और जहां से ये ब्रेकडाउन करा था तो डे लो को जैसे ही ब्रेक करेगा वहां पे मैं एंट्री ले लूंगा ट्रेड के अंदर। सो गाइस सिंपल है आज बिल्कुल, क्योंकि मार्केट अभी इसके अंदर है। देखिए बस ये बता रहा हूँ आपको, इस जब ऐसे यहाँ पे फंसा होता है मार्केट, खासकर रिटेल ट्रेडर्स इस टाइम पे बिल्कुल शांत रहें। कल का वीडियो में डाला है धैर्य इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आप धैर्य में रहेंगे, छोटा प्रॉफिट लेके जाएंगे तो छोटा लॉस भी लेके जाएंगे। जब हमारा मोमेंट आएगा, जब हमारा ट्रेंड आएगा, हमें बड़े मूवमेंट मिलेंगे, वो आपके 2-3 महीने की कमाई एक ही टाइम वक्त पे करा के चले जाएंगे। सो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।